कैसी यूके में रहने वाले एक 28 साल के युवक ने मात्र 28 साल की उम्र में ही एक बैंक को कंगाल कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक को सिर्फ 93 रुपयों में बेचना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ज्ञान बाबा हिंदी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये घटना है यूनाइटेड किंगडम की, जहां एक 28 साल के शख्स ने बैंक को इतना कंगाल कर दिया कि बैंक को सिर्फ 1 यूरो में ही बेचना पड़ा था। दरअसल इंग्लैंड के एक 28 साल के युवक ने 233 साल पुराने बैंक को कुछ इस तरह से कंगाल किया कि बैंक को उसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई। दोस्तों, इस बैंक का नाम था बैरिंग्स बैंक, जहां एक समय में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी अकाउंट हुआ करता था। दोस्तों, इस शख्स का नाम था निक लीसन। निक लीसन का जन्म 25 फरवरी साल 1967 को इंग्लैंड के वैटफोर्ड में हुआ था। निक लीसन का बचपन से ही सपना था कि वह बड़ा होकर एक कामयाब शेयर ट्रेडर बने। निक लीसन ने अपनी 23 साल की उम्र में नौकरी की शुरुआत कर दी थी और उसे उसकी पहली नौकरी मॉर्गन स्टैनली नाम की एक कंपनी में मिली थी, परंतु वहां पर प्रमोशन ना मिलने की वजह से उसने काफ़ी समय उस कंपनी में जॉब नहीं की। फिर उसने इंग्लैंड के सबसे पुराने बैरिंग्स बैंक में नौकरी की शुरुआत की। बैंक को क्या पता था कि जिस इंसान को उन्होंने नौकरी पर रखा है, वो शख्स एक दिन उस बैंक को मात्र 93 रुपयों में बिकवा देगा। निक ने सच्चे मन से उस बैंक में नौकरी की और उसने बैंक में काफ़ी ऐसे लोन भी देखे जिन्हें लोगों ने वापस तक नहीं चुकाया था, और इस तरह उसने इसकी जांच पड़ताल की और बैंक को लगभग 10 करोड़ पाउंड यानी कि 932 करोड़ रुपए के लोन को उजागर किया। उसकी इस लगन से बैंक उससे काफ़ी खुश हुआ और काफ़ी कम टाइम में ही बैंक ने उसका प्रमोशन भी कर दिया और धीरे धीरे बैंक ने उसको एक ट्रेडर बना दिया था, ताकि वो बैंक के बिहाफ पर ट्रेडिंग करके बैंक को मुनाफा करवा सके। परंतु बैंक को बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी ये एक गलती उनको ले डूबेगी और निक की जल्द ही सिंगापुर के ट्रेडिंग विंग में ट्रांसफ़र कर उसकी प्रमोशन कर दी गई। यह निक का उस डिपार्टमेंट में पहला साल ही था और उसको ये काम रास नहीं आया और निक ने पहले ही साल में बैंक को घाटा करवा दिया। यदि निक का अनुमान सही होता तो उससे बैंक को काफ़ी लाभ हो सकता था, परंतु निक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बैंक को पहले ही साल जब घाटा हुआ तो निक के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और वो घबरा गया कि अगर बैंक को उसकी इस हरकत का पता चला तो बैंक उसको नौकरी से ही निकाल देगा। और निक ने उसी समय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए और उसने इन घाटों को बैंक से छुपाने के लिए एक सीक्रेट अकाउंट बनाया, जिसकी जानकारी उसने बैंक को नहीं दी। और निक जो है उसी सीक्रेट अकाउंट के जरिए ही बैंक की सारी शेयर ट्रेडिंग करने लगा। बैंक को तो लग रहा था कि निक बैंक को काफ़ी फायदा पहुँचा रहा है और बैंक उससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। अब निक को ट्रेडिंग का लॉस पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और वह उन पैसों के जरिए बैंक का लॉस ख़त्म करना चाहता था। साल 1992 में निक के गलत अनुमानों की वजह से बैंक को 40 लाख पाउंड का नुकसान हुआ था, जिसकी बैंक को खबर तक नहीं थी। साल 1993 में निक ने फिर से ट्रेडिंग की और इस बार उसकी किस्मत खुल गई और बैंक का सारा नुकसान पूरा हो गया। परंतु निक का लालच यहीं ख़त्म नहीं हुआ। निक अब खुद को एक अच्छा ट्रेडर समझने लग चुका था और वो अब यूके में अपना नाम अच्छे स्टॉक ट्रेडर्स में लाना चाहता था और इसीलिए अब उसने बड़े बड़े रिस्क लेने शुरू कर दिए। उसने अपनी पहले वाली गलती को सुधारने की बजाय उसको और बढ़ा दिया और इस बार उसने बैंक को 876 करोड़ रुपये का घाटा करवा दिया था। साल 1994 तक ये घाटा बढ़कर 14,92,40,00,000 हो चुका था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि बैंक को अभी तक भी इस बात की खबर ही नहीं थी। बैंक अभी भी इसी गलत फहमी में जी रहा था कि निक अभी भी बैंक को प्रॉफिट दिलवा रहा है। निक ने अब तक बैंक को 33 करोड़ पाउंड यानी 30,78,09,00,000 रुपये का घाटा करवा दिया था। 17 फरवरी साल 1995 को सिंगापुर में बैंक क्लर्क ने निक के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी देखी
और जब निक को इस बात का पता चला तो निक के होश उड़ गए और वो देश छोड़कर गायब हो गया। और बैंक ने अपने ऑडिट में निक का सीक्रेट अकाउंट भी ढूंढ लिया था और बैंक को यह पता चल गया कि निक ने उनको 83 करोड़ पाउंड का नुकसान करवा दिया है। यह खबर जो है पूरे देश में आग की तरह फैल गई और 233 साल पुराना बैंक चुटकियों में ही गिर गया। इसके बाद निक को ढूंढ लिया गया और उसे 30 नवंबर साल 1995 में 6.5 साल की सजा हुई, परंतु निक के अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 3.5 साल में ही छोड़ दिया गया था। एक इंटरव्यू के जरिए निक ने बताया कि उसका जेल में वो समय काफ़ी कठिनाइयों वाला बीता। उसे जेल में काफ़ी ज़्यादा डर लगता था क्योंकि जेल में कोई खिड़की नहीं थी और सिर्फ एक छोटे से छेद के जरिए उसे खाना दिया जाता था। जेल से बाहर आने के बाद निक ने अपनी बायोग्राफी को लाखों रुपये में बेच दिया और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था रोग ट्रेडर। और आज निक जो है एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी ही रोमांचक रियल स्टोरीज आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।